हमारे सभी छोटी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है एक बार इस पर वीडियो सुबह मैं बना चुका हूँ तो सुबह जब हमने वीडियो बनाई थी तब तक ये नोटिस रिलीज नहीं हुई थी और अब पूरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ हो चुकी है और इस पर शाम को अब इस समय वीडियो बन रही है तो इस आज की वीडियो में मैं सुबह जो चीज़ें क्लियर किया था उसको अब पूरा डिटेल में विद प्रूफ आपको दिखाऊँगा डेट वगैरह क्या है तो आपके सही कुछ लोग उसमें क्वेश्चंस भी उठाए थे तो उनके भी सवालों का जवाब यहाँ पे मिलेगा आप कैसे आवेदन करें क्योंकि आप अभी आवेदन करेंगे इंटर के बाद तो आप लोगों के सामने बहुत सारी क्वेश्चंस खड़े हो जाएंगे कि किस तरह अप्लाई करें तो सुबह की जो वीडियो थी उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बताए थे क्या क्या लगेगा तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपके डॉक्यूमेंट में आपका टेंथ का और हाई ट्वेल्थ का जो है मार्कशीट लगेगा अगर ट्वेल्थ का मार्कशीट नहीं है तो स्कोर कार्ड वगैरह भी यूज हो सकता है ठीक है और आपका एक फोटो वाला आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं मतलब अगर आप जनरल से नहीं हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट मतलब कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो लगाना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र ठीक है तो सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा और फ़ोटो लगनी है तो आप सिग्नेचर वगैरह ये सब जो चीज़ लगती हैं अप्लाई करते समय ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो इनको आपको देना पड़ता है तो अगर जो स्पोर्ट वाले हैं उनका स्पोर्ट का लगेगा म्यूज़िक वाले जो हैं उनका म्यूज़िक के लिए आप क्लिप अपना देंगे क्लिप का लिंक कहीं भी आपने अपलोड कर रखा है आप उस लिंक को देंगे तो उससे जिससे जिस सुना जा सके तो बढ़ते हैं आगे आपको ये हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिखाते हैं उसके बाद चलेंगे अप्लाई करके दिखाएंगे कि किस तरह से आप कहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और पूरी वीडियो को देखने के बाद आप सवाल पूछिएगा जो आपसे आपको दिक्कत हो तो बढ़ते हैं से पहले आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखाएंगे हम डाउनलोड कर लिया है ऑफ फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट हैोग्राम दो हजार इक्कीस है यहाँ पे यह आपको मिलेगा तो टेबल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रोग्राम वाइज जो मेरिट लिस्ट फॉर मेरिट बेस्ड एजुकेशन के लिए है तो वो आपको दिखाई जाएगी सर सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंट डेट तो ये दो आठ दो हजार इक्कीस से इकतीस आठ दो हजार इक्कीस तक रहेगा और और जो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट रजिस्ट्रेशन फीस का है वो भी यही डेट है कट ऑफ जो है ये नीचे दिए गए इस वेबसाइट पे बाद में जारी किया जाएगा जब लास्ट डेट निकल जाएगी उसके बाद हेल्प डेस्क आपका ये है आप मेल भी कर सकते हैं या फिर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ठीक है एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दो तो इस अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह आएगी एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट यू प्रोग्राम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आर मेरिट बेस्ड

तो आपको अभी मैं दिखाऊंगा कि कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है द कैंडिडेट मस्ट बी एज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड कैंडिडेट सिकिंग एडमिशन अंडर द फॉरन स्टूडेंट कैटेगरी टू अप्लाई सेपरेटली फॉरन वाले जो होंगे वो सेपरेट अप्लाई करेंगे एफ एस आर डॉट ई डी यू डॉ ए सी डॉन इन पे द कैंडिडेट शूड है क्लास ट्वेल्थ एग्जामिनेशन ऑफ एनी बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और एनी फॉरन कंट्री रिकोगनाइज एज इक्वेलन टू द टेन प्लस टू तो आप अगर क्लास ट्वेल्थ क्वालीफाई किए हैं किसी भी बोर्ड से यूनिवर्सिटी या 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 से जो कि अपने इंडिया में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉरेन वाले जो है उनके लिए अलग है द कैंडिडेट शुड हैव पासड इंडिविजुअली इन ईच सब्जेक्ट रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स इफ एनी तो जितने भी सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होंगे उन सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअली मतलब अलग अलग पास होना चाहिए किसी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होने चाहिए ठीक है ऑल ओवर तो आप पास हैं मान लीजिए लेकिन किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं सब में पास प्रैक्टिकल में भी आप पास होने चाहिए

ट अंडर यू आर एस सी एस टी ओबीसीबल टू सी एडमिशन बेस्ड ऑनिट एंड एंट्रेंस टेस्ट टू प्रोग्राम इन डिपार्टमेंट एक्सेप्ट माइनॉरिटी माइनॉरिटी कॉलेज है वहाँ पे नहीं कैटेगरीज में नॉट बी एप्लीकेबल ठीक है माइनॉरिटी कॉलेज को छोड़ के सभी में अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट फ्राम एंड क्रिस्टियन माइनोरिटी मेंंडर द माइनॉरिटी कोर्टा सिख और क्रिश्चियन माइनरिटी वाले जो है माइनॉरिटी कोटा में अपलाई करेंगे फीस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुबह में बताया था वही फीस है ठीक है देख लीजिए आप मैं सुबह पहले ही बता दिया था तो रजिस्ट्रेशन फीस आपका जो अनिटेड ओ बी सी डब्ल्यू एस ढाई सौ है एस सी एस टी के लिए सौ और एडिशनल रजिस्ट्रेशन फीस जो रिस्पोर्ट वाले हैं उनका सौ एडिशनल रहेगा एडिशनल सर रजिस्ट्रेशन फीस ईच इंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम यू आर ओब ओ बी सी डब्ल्यू एस के लिए साढ़े सात सौ और बाकी आप देख सकते हैं इस तरह से है ठीक है मेरिट बेस्ड एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज में ऑफ़र है तो ये यूनिवर्सिटी थ्रू इट्स कॉलेज इन वेरियस स्ट्रीम ऑफ स्टडीज अंडर डिफिकल्ट स्टडीज नेमली आर्ट्स सोशल साइंस अप्लाइड सोशल साइंस एंड ह्यूमनिटीज़ के कोर्सेज कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़ मैथमेटिकल साइंस साइंस एंड इंटर डिसिप्लिनरी एंड अप्लाइंस प्रोग्राम द क्राइटेरिया ऑफ एलिजिलिटी फॉर ईच ऑफ द प्रोग्राम ऑफर्ड एट अंडर ग्रेजुएट लेवल आर लिस्टेड बिलो ठीक है तो उसके लिए देखना प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट फॉर मेरिट बेस्ड यू जी एडमिशन तो अभी <laughs> प्रोग्राम वाइज है यहाँ पे द सजेस्टेड प्रोग्राम एंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट पब्लिश्ड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट सेल बी एड हेयर ऑल कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी द मार्क्स इंटर्ड बाई द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन दू जी एडमिशन पोर्टल तो आप जो मार्क्स आप डालेंगे रजिस्ट्रेशन के समय उसी से आपका मैरिट कम कैलकुलेट किया जाएगा तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो होगा बेस्ट फोर फॉर एडमिशन इन प्रोग्राम थ्रू द फैकल्टी ऑफ आर्ट फैकल्टी ऑफ आर्ट कॉमर्स मैथमेटिकल साइंस म्यूजिक सोशल साइंस अप्लाइड सोशल साइंस एंड ह्यूमनिटीज़ इन सब के लिए बेस्ट फोर रहेगा थ्री सब्जेक्ट्स फॉर एडमिशन इन प्रोग्राम अंडर द फैकल्टीज

इस पोर्ट फिर उसके बाद आता है फाइव ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म फिर बी ऑनर्स मल्टी मीडिया मॉस कम्युनिकेशन बैचलर इन फिजियोथेरेपी बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी बैचलर इन प्रोस्थेटिक और थोटिक्स इनके लिए आपका एंट्रेंस होगा यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट है एडमिशन टू माइनॉरिटी कॉलेज तो देयर आर सिक्स माइनोरिटी कॉलेज इन यूनिवर्सिटी इन ऑफ दिल्ली लिस्टेड बिलो तो यहाँ पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी एंड सिख माइनॉरिटी है तो आप इसको भी देख सकते हैं और उसके बाद ऊपर ये लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एन सी डब्ल्यू ई बी अंडर ग्रेजुएट सेंटर तो ये हमारे कॉलेज हैं और उसके बाद ये हमारे कॉलेज हैं आप इतने जो कॉलेज हैं इनको भी देख सकते हैं सब कुछ चीज़ें अगर बताना हो तो लॉन्ग हो जाता है ओवरऑल ये ग्रेडिंग सिस्टम्स के लिए है और उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्लास एक्स की माथ सर्टिफिकेट है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ पेरेंट्स नेम और सब कुछ ये आपका अच्छे से होना चाहिए क्लास ट्वेल्थ की मार्कशीट है फिर एस सी एस टी आई डब्ल्यू एस इन सब के लिए ओ बी सी के लिए सर्टिफिकेट चाहिए और अगर आप स्पोर्ट वाले हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए फिर उसके बाद यही सब चीज़ें ओवरऑल बात ये निकल के आती है कि सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं इस एडमिशनों के लिए ठीक है अब जो कट ऑफ जारी होगी वो कट ऑफ जो है लेट एडमिशन्स का फॉर्म जो फिल हो जाएगा उसके बाद जारी होगी अब बताते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करेंगे आप इस जो प्रोस्पेक्टर से इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा तो आपको आना होगा तो मैं दिखाता हूँ आप यू एडमिशन दो हज़ार इक्कीस पर आएँगे तो एडमिशन पे आने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन दो हज़ार इक्कीस वेबसाइट दिख रही होगी आप यहाँ पे जा सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है तो आपको यूजी एडमिशन पोर्टल दिख रहा होगा उसके बाद यूजी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन तो आप यहाँ से जो इंफॉर्मेशन जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो ये आपके ऊपर है तो जैसे यू जी एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करना है आपको यहाँ पे हेल्प डेस्क वगैरह दिखेगी फिर न्यू रजिस्ट्रेशन दिखेगा तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा सब कुछ अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पे आपको क्या दिख रहा है नेम एंड अदर डिटेल्स इंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी द सेम एज़ इन द क्लास ट्वेल्थ बोर्ड मार्क्सीट ठीक है उसके बाद एप्लीकेंट कैन लॉग इन द एडमिशन पोर्टल थ्रू द रजिस्टर्ड ई मेल एड्रेस ओनली एप्लीकेंट मस्ट यूज हिज ऑन एक्टिव ई मेल एड्रेस ठीक है द ई मेल एड्रेस प्रोवाइड बाई द एप्लीकेंट मस्ट भी फंक्शनल आपका काम करने वाला होना चाहिए उसी पर ई मेल वगैरह आएगा एप्लीकेंट्स आर इनकरेज टू यूज लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम ठीक है तो आप यहाँ पे अपना नाम भरिएगा जो आपका ट्वेल्थ मार्क्शीट में हो फिर ई मेल भरिएगा फिर ईमेल री इंटर एप्लीकेंट्स ई मेल एड्रेस ठीक है तो ई मेल एड्रेस पहले तो एप्लीकेंट्स ई मेल एड्रेस भरना है फिर उसके बाद री इंटर करना है फिर आपका पासवर्ड मिनिमम सिक्स करेक्टर को बनाना पड़ेगा फिर री इंटर करना है पासवर्ड को मोबाइल नंबर डालिएगा फिर री इंटर कीजिएगा मोबाइल को फिर आप ये कैप्चा जो है इसको भरिएगा भरने के बाद आप रजिस्टर करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे तो इस तरह से आपको करना है आप हेल्प डेस्क देख सकते हैं जब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा तो आप उसको नोट करके एक, क्या कीजिएगा साइन इन कीजिएगा फिर अदर्स डिटेल्स अपलोड करनी पड़ेगी ठीक है तो आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं यहाँ आपको मैं लिंक भी दे दूँगा सारी डिटेल्स आप ले देख लीजिएगा वो जो कल सुबह की वीडियो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी पूरी डिटेल्स के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा एक छोटी सी वीडियो में हम कितना कवर कर सकते हैं ठीक है धन्यवाद